हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकिंग आर नाजमो। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उन्हें पेट में, पीठ में और कमर में दर्द क्यों हो रहे हैं। कहीं इस दर्द से उनके बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या ये दर्द कोई बड़ी परेशानी की निशानी तो नहीं है, या ये दर्द नॉर्मल है। तो आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें ये दर्द क्यों महसूस होते हैं, इनके क्या कारण हैं और इस दर्द से हमें कैसे बचना है, यानी दर्द से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और पास वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे आने वाले मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जब से प्रेगनेंसी कंसीव होती है, महिलाओं में जी मिचलाना, उल्टी आना, चक्कर आना, पेट में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द होते रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में दर्द क्यों होते हैं। तो प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में हमारे बॉडी में रिलैक्सिंग हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिलैक्स करना शुरू कर देती हैं। साथ ही साथ हमारे लिगामेंट को भी लचीला, फ्लेक्सिबल बना देती हैं, जिसके कारण से पेल्विक एरिया में हमें दर्द महसूस होने लगते हैं। सेकंड, लास्ट के महीने में बेबी अपने सिर को नीचे साइड कर लेता है। बेबी के सिर का दबाव आपके पेल्विक एरिया पर पड़ता है, जिस कारण से भी आपके पेट के निचले हिस्से पर दर्द फील होने लगते हैं। थर्ड नंबर, प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपका वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ में आपका पेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ ही प्रेगनेंसी के लास्ट महीने में बेबी का हिलना डुलना भी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा अब तक पूरा विकसित हो चुका होता है। गर्भाशय का साइज बस उतना ही है, बच्चा भी बढ़ चुका है, बच्चे को फिर ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बेबी का मूवमेंट भी कम हो जाता है। आपका गर्भाशय भी बढ़ गया है, बच्चे का वजन भी बढ़ गया है, तो जितना सारा प्रेशर है वह अब आपके कमर और पेट पर पड़ता है, जिसके कारण आपके कमर और पेट के निचले हिस्से में दर्द फील होने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ये दूसरी प्रेगनेंसी है, तो पहले प्रेगनेंसी में आपके पेल्विक एरिया में दर्द रहा होगा, तो फिर आपके इस प्रेगनेंसी में भी दर्द रह सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपके प्राइवेट पार्ट में कोई इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आपके पेल्विक एरिया में दर्द रह सकता है। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन लग रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्शन होना बहुत रिस्की होता है। लास्ट मंथ में आपको फाल्स लेबर पेन भी हो सकते हैं, जो कि डिलीवरी वाले पेन नहीं होते हैं। आपको इस कारण से भी आपके पीठ, कमर, पेट में दर्द हो सकते हैं। ये दर्द हर किसी को नहीं होते हैं, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। ये दर्द जो आपको फील हो रहे हैं, ये सभी को ज़्यादातर फील होते हैं, ये नॉर्मल है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि हम इस दर्द से बचने के लिए क्या करें। तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले टिप है, आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आपको कुछ एक्सरसाइज बता सकते हैं, जिस वजह से आपको दर्द से राहत मिल सकती है। सेकेंड टिप, 9वें महीने में वॉकिंग करना अच्छा होता है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वॉक नहीं करें, कि जिससे आप थक जाएं। आपको वॉक करते टाइम बीच बीच में रेस्ट जरूर करना चाहिए। टिप नंबर 3, आपको कमर दर्द से बचने के लिए लास्ट के महीने में झुकना नहीं है। अगर आप झुकती हैं तो आपके कमर में दर्द ज़्यादा बढ़ सकता है। टिप नंबर 4,
आपको अपने बैठने उठने के पोजीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। आपको जब भी उठना बैठना हो तो सपोर्ट लेकर ही उठें और बैठें। आप दर्द से बचने के लिए सपोर्ट बेल्ट भी ले सकती हैं। टिप नंबर 5, अगर आपको पेट, कमर, पीठ दर्द की शिकायत है तो आपको हमेशा करवट लेकर ही सोना चाहिए। आपको कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लेफ्ट करवट पर ही लेटें। टिप नंबर 6, आपको अपने पीठ और कमर की मसाज करवानी चाहिए या फिर आप खुद से भी धीरे धीरे मसाज कर सकती हैं। टिप नंबर 7, लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। आपके अंदर बिल्कुल भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जो जहरीले टॉक्सिन होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और जो आपके पेट, कमर, पीठ, पेल्विक एरिया के जो दर्द होते हैं उनमें राहत मिलती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का सेवन करना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बी हेल्दी प्रेगनेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग रॉकिंग आर नाज मॉम। टेक केयर।